Hi guys, this is Advocate Ruksaar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. Friends, पूरे देश के अंदर धर्मांतरण को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसको पालन कर सकते हैं और उसको फैला भी सकते हैं। यानी कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध या जो भी एक सिख हैं, आप अपने धर्म को मानिए, उसका पालन करिए, उसको फैलाइए, उसके लिए आप अपनी इबादतगाह, अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च कुछ भी बनाइए, इसकी इजाजत आपको भारत का संविधान देता है। लेकिन जब आपको ये इजाजत दी गई है, जब आपको राइट दिया गया है, तो इसके ऊपर कुछ अपवाद भी है। पहला ये कि बच्चे अपना धर्म परिवर्तन खुद नहीं कर सकते जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। दूसरी बात, आपका धर्मांतरण किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि आप पैसों के लालच में नहीं करेंगे, आप किसी संस्था के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यानी कि उसके खुद के अपने मुनाफे के लिए आप अपने धर्म को चेंज नहीं करेंगे, आप किसी के बहकावे में, नशे में, ऐसी हालत में अपने धर्म को चेंज नहीं करेंगे। धर्मांतरण सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बेहतरी के लिए होना चाहिए। अच्छे से सोच समझ के उसके ऊपर स्टडी करने के बाद ही आप अपने धर्म को चेंज करेंगे। बहुत सारे लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, ना तो वो किसी संस्था के लोभ लालच में है, ना वो पैसे के लालच में है, ना वो नौकरी के लालच में है और ना वो अपने किसी पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। बस वो एक धर्म से दूसरे धर्म में जाके एक्सप्लोर करते हैं चीजों को या उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को धर्म अगर चेंज करना है तो कुछ राज्यों में तो कानून बना दिया गया है, जैसे यूपी के अंदर कानून है, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर फॉर्म भर के अप्लाई करना होता है, वहां पर आपको कुछ दिन वेट करना होता है, जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आप अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आज भी राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई धर्म से रिलेटेड कानून नहीं है। जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूं, मैं खुद भी दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करता हूं, तो यहां पर धर्मांतरण से जुड़ा हुआ कोई कानून अभी तक नहीं है। तो जो प्रैक्टिस यहां पर हम लोग करते हैं वो सिंपल ये है कि जो भी आप धर्म अपनाना चाहते हैं, मान लो आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, तो आप चर्च में जाइए, चर्च में जो भी एक तरीका होता है धर्म को परिवर्तित करने का, वो आपको वहां पर कराएंगे और एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे जो कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप लेकर आइए, इसी तरह के किसी मस्जिद के मौलवी के पास जाइए या किसी मंदिर के पुजारी के पास जाइए, ये तीनों लोग अपने अपने धर्मों का आपको एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जब आपको पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको कुछ एफिडेविट्स फर्निश करने होते हैं जिसमें आप ये अंडरटेकिंग देते हैं बिफोर एसडीएम कि मैं किसी भी लोभ लालच में धर्म परिवर्तित नहीं कर रहा हूं, अपने पूरे होशो हवास में धर्म परिवर्तित कर रहा हूं और मैं इस धर्म के अंदर परिवर्तन चाहता हूं। आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट आ गया, आपके पास एसडीएम का एफिडेविट आ गया, उसके बाद आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपके पहचान पत्र हैं जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड और दो गवाहों के साथ एक गजट नोटिफिकेशन कराना होता है। आमतौर पर गजट नोटिफिकेशन कराने के लिए बहुत सारे पब्लिशर्स मार्केट में बैठे हैं, आप किसी भी एक पब्लिशर से कॉन्टेक्ट करिए और ये सारे डॉक्यूमेंट उसको दीजिए और वो आपका गजट के अंदर नोटिफिकेशन करा देगा। ये गजट क्या है? गजट ये एक राजकीय पत्रिका है, एक न्यूज़पेपर है जिसमें हिंदुस्तान के तमाम कानूनों को पब्लिश किया जाता है। आपने सुना होगा अभी पीछे बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे किसानों के लिए कानून बनाया गया, 3 तलाक के ऊपर कानून बनाया गया, बहुत सारे जितने भी कानून बनते हैं सब देश के गजट के अंदर ही पब्लिश किए जाते हैं। और इसी तरीके से आपका अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है या आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन गजट के अंदर होता है। गजट नोटिफिकेशन में 15-20 दिन भी लग जाते हैं और जब एक बार आपका गजट नोटिफाइड हो जाता है तो उसके बाद वो जो आपको पेपर मिलता है उस पेपर को आप कहीं पर भी यूज करके आप अपने जो भी धर्म आपने सेलेक्ट किया है उसके तौर पर आप चल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने जिन डॉक्यूमेंट्स में धर्म मेंशन किया जाता है आप वहां पे अपना धर्म भी मेंशन करा सकते हैं और ये बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। तो फ्रेंड, भारत की अलग अलग स्टेट्स में
अलग अलग कानून बनाए जा चुके हैं, जैसे यूपी के अंदर धर्मांतरण के ऊपर कानून आ गया है, कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण का कानून आ गया है, लेकिन दिल्ली में नहीं है अभी तक भी, पंजाब के अंदर नहीं है। तो जहां जहां कानून है वहां पे उस कानून के हिसाब से धर्मांतरण होगा, और जहां पर कानून नहीं है वहां पर आप गजट नोटिफिकेशन करा के अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। धर्म को परिवर्तन करने के लिए, रिलीजन को चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर दिल्ली में अपनाया जाता है वो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है। इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हैं अपने गजट को नोटिफिकेशन कराने में, तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।